चलो अभी हटो, अभी इन लोगों को देखेंगे और सारे बर्ड्स का क्या रिएक्शन होता है। ये कौन सा डांस है रियो? ये कौन सा डांस है? ये क्या? अरे दर्द हो जाएगा। और पिछले दो दिनों से थोड़ा सा बुखार हो गया है। इससे पहले मैं कहता था कि हमें इतना आसानी से बुखार नहीं होता है, लेकिन तबीयत बहुत ख़राब है और क्या करूं, मन बिल्कुल भी ख़राब है। तो सोचा छोटा सा एक वीडियो बनाऊं और आप सभी के साथ शेयर करूं। हाँ, चूहे से तो हम लोग हार मान चुके हैं, मतलब बहुत कोशिश करके भी सारे चूहे को इस एवियरी से भगा नहीं पाया। इसी के लिए फाइनली हम लोगों ने जो डिसाइड किया, हाँ, कि रैबिट, मतलब रैबिट जहाँ रहता है वहाँ चूहा बिल्कुल भी नहीं आता है, डर के मारे भाग जाता है। तो इसी के लिए फाइनली हम लोगों ने सोचा कि कुछ रैबिट्स लाएंगे और इस ओपन एवियरी में, मतलब ऐसे छोड़ के रखेंगे, और ये जो स्पेस है यहाँ उन लोगों का रहने का, मतलब वो तो मिट्टी खोद के मिट्टी का अंदर रहता है, यहाँ से एक छोटा सा दीवार बना देंगे और उसका ऊपर पूरा मिट्टी भर के रखेंगे। और ये लोग अगर रहेगा तो चूहे से शायद छुटकारा मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग जो करेंगे, सारे रैबिट्स को ओपन एवियरी के अंदर छोड़ेंगे और सारे बर्ड्स के साथ इन लोगों का क्या रिएक्शन होता है वो पहले देख लेंगे, क्योंकि बर्ड्स डरता है या इन लोगों पर अटैक करता है या मिलजुल के एक साथ रहते हैं, सबसे पहले तो वो देखना है। चलो चलो छोड़ो, तो नहीं चल रहा, यहाँ लेके आओ, यहाँ 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 लेके आओ, छोड़ेंगे छोड़ेंगे और देखेंगे कि क्या रिएक्शन होता है। अगर डर लग रहा है बर्ड्स नहीं, नहीं 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 कुछ नहीं करेगा। और एक बार अगर एडजस्ट कर लिया ना, अगर एक बार एडजस्ट कर लिया तो चूहे से पूरा 100% हम लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। चलो देखो तो क्या हुआ, डर के मारे। हाँ छोड़ो छोड़ो, धीरे धीरे छोड़ो, चलो आ जाओ तो, आ जाओ तो, आ जाओ तो, कितना प्यारा है देखो। चलो तो, चलो तो, चलो तो। चलो अभी हटो, अभी इन लोगों को देखेंगे और सारे बर्ड्स का क्या रिएक्शन होता है, क्या होता है, क्या करते हैं वही देखना है। नहीं, थोड़ा सा दूर भाग जाते हैं, उसके बाद दूर से देखेंगे, दूर से वॉच करेंगे। नहीं, वो लोग नहीं डरेगा। देखो क्या होता है, क्या हुआ, ये सब लोग देखो चुपचाप से देख रहे हैं सब, शायद दोस्ती हो जाएगा, मिलजुल के रह लेगा, ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा। सब कैसे देख रहा है देखो, सारे बार एकदम ध्यान से देख रहा है। और ये लोग भी क्या डर रहा है शायद, नहीं चंद्रा, एक साल मिलजुल के रह जाएगा शायद। सारे बर्ड चीट मिक्स खाने के लिए नीचे आएगा और तभी देखेंगे क्या है, क्या है, छुप रहे हो, पीछे छुप रहा है, हो जाएगा एडजस्ट, आने दे सकते। अभी तक अगर कोई प्रॉब्लम होता तो लड़ाई शुरू हो जाता, कुछ नहीं होगा। मांका का क्या हुआ, मांका डर रहा है क्या? नहीं, वो देखो एडजस्ट हो जाएगा एकदम 100%। हाँ, चूहे से तो 100% छुटकारा मिल ही जाएगा। छोड़ दिया है सारे रैबिट्स को और देख के जो लग रहा है ज़्यादा कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा इन लोगों का अंदर, मतलब दोस्ती हो जाएगा और सब मिलजुल के एक साथ रह लेगा। और यहाँ जो हो रहा है
मतलब ऐसे चूहा चारों तरफ से, यहाँ से जहाँ जहाँ मिट्टी है यहाँ से सब मिट्टी खोद के नीचे की तरफ कहाँ ले जा रहा है पता नहीं। इन लोगों को ले आके यहाँ छोड़ना पड़ा। इससे पहले तो बहुत तरीके का बहुत कोशिश किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसे तो ब्रीडिंग में भी दिक्कत होता है और चूहा जो करता है वो करता रहता है, फिर से होल बनाना शुरू हो गया। तो अभी जो लग रहा है कि अगर ये लोग यहाँ एडजस्ट करके सारे बात के साथ रह लेगा तो जो होगा सारे चूहे का यहाँ नाम और निशान नहीं रहेगा। देखते हैं अभी क्या होता है। जो डर था इन लोगों ने तो एडजस्ट कर लिया है, मिलजुल के रह लेगा। अभी देखना है चूहे का क्या होता है। पिछले 3 सालों से इतना ज़्यादा ठंडा नहीं गिरा तो मतलब सडनली गला पूरा क्रैक हो गया, ख़राब हो गया। इसी के लिए ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। और हर दिन सुबह मतलब उठ के तो अभी एक काम बन गया है कि हम लोगों का नया बार्ड ब्रीडिंग फार्म जहाँ बन रहा है 8 माइल होरीपुर में, वहाँ जाना पड़ता है। एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप तो काम होते ही आगे बढ़ते जा रहा है आप लोगों का दुआ हेल्प सपोर्ट की वजह से। तो वहाँ हर दिन जाते हैं और आज भी मतलब आज थोड़ा सा लेट हो गया हूँ क्योंकि गला इतना ख़राब है और मन नहीं कर रहा था, लेकिन तो जाना पड़ेगा क्योंकि कल नीचे का ढलाई होगा। जैसे स्टेप बाय स्टेप काम आगे बढ़ता रहेगा आप सभी के साथ भी शेयर करेंगे। और आज रात को कुछ बार्ड्स को भी रेडी करना है क्योंकि फ्राइडे का ट्रेन है पंजाब अमृतसर में, एक साहब के पास दोनों मकाओं को पहुँचाना है और लोग भी आ गए हैं जो कैरी करके लेके जाएगा। और तो वो रेडी करके ट्रैवल केज तैयार करके उनके हाथों में देना है, कोलकाता तक ले जाके छोड़ना है स्टेशन तक। और साथ में चंद्रा भी है। चंद्रा का सर इतना दुख रहा है मतलब बाहर अगर धूप की तरफ अगर नज़र जा रहा है तो आँखें दुख रहा है। इसी के लिए मैडम जी लगा लिया चश्मा। और राजू एंड रुद्रा भी बहुत जिद किया कि हाँ हमको जाना है। और स्टेप बाय स्टेप इतना सारा पेड़ सुलाएंगे ना कि मतलब सोच भी नहीं सकते। प्रॉमिस है मतलब ऐसे कोई पेड़ नहीं रहेगा जो हम लोग का वहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग का यहाँ जगह का कमी था, वहाँ जगह का बिल्कुल भी कमी नहीं है। जो मन करेंगे प्यार से लेके आएंगे, सही प्रॉपर केयरिंग के साथ रखेंगे। चलो रुद्रा क्या कर रहे हो? हैं क्या टॉयलेट? यहाँ तो चारों तरफ टॉयलेट है, तुम कहीं भी कर सकते हो। चलो करो। फ्राइडे को हम लोग का पहला ढलाई होगा। ढलाई मतलब वो जो सारे बाउंड्री वॉल का नीचे से वो ढलाई ऊपर आएगा। इतना स्पेस मिल जाएगा तो बहुत कुछ कर पाएंगे। एक एवियन रिसर्च सेंटर भी बनाएंगे जहाँ सारे बीमार पेट्स का बर्ड्स का ट्रीटमेंट इलाज का बंदोबस्त रहेगा, जिसका अभी बहुत ज़रूरत है हम लोग का यहाँ। हाँ तो जैसे बताया था आज तो मकाओ अमृतसर साहब जी के पास जाएंगे इसी के लिए। यही तो मकाओ अभी पकड़ना है। और ऐसे ट्रैवल केज बहुत खूबसूरत तरीके से कहाँ से एंटर कहाँ से इधर से, हाँ ट्रैवल केज भी एकदम सही तरीके से हम लोगों ने बना लिया। और तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ इससे पहले बहुत बार बहुत सारे वीडियोस में कह चुका हूँ कि गाला कोकाटू मतलब कोकाटू स्पेसीज का अंदर ब्रीडिंग के टाइम मेल इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है कि मतलब फीमेल को कभी कभी मार भी देते हैं। इससे पहले बहुत सारे लोगों के पास ऐसे घटना घटा, वो वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर किया। लेकिन फाइनली आज हम लोगों का मतलब मेरा फार्म पे ये मेल है और यहाँ फीमेल। मतलब 2 दिन पहले इतना अच्छा इतना ज़बरदस्त बॉन्डिंग है, क्या कहूँ। मतलब ये और ये जो है हम लोग का ओपन एरिया में था, इसका ऊपर भी बहुत सारा वीडियो आप सभी के साथ शेयर किया हूँ। और वहाँ उस केज में ब्रीडिंग सेटअप में डाल दिया था और इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था मेल कि टॉर्चरिंग शुरू किया। कल जब देखा, कल मतलब 2 दिन पहले एकदम दोनों का अंदर बहुत ज़बरदस्त बॉन्डिंग सब कुछ था, लेकिन सडनली क्या हुआ पता नहीं, कल देखा कि बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से इसको काट के मतलब क्या बताएं, बहुत टॉर्चरिंग किया, चारों तरफ ऐसे खून खून कर दिया।
शेपर्ड कर दिया था, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किया, लेकिन इतना ज़्यादा गहरा चोट पहुंचा दिया कि ये सर्वाइव कर नहीं पाया। कॉकाटोस के अंदर ये ऐसे होता रहता है, इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है मेल पे, कभी कभी फीमेल को मार भी देते हैं। मेल इतना ज़्यादा भयंकर हो जाता है, और क्या कहूँ, फीमेल का मतलब मार भी देते हैं। पता नहीं इन लोगों का अंदर ऐसे नेचर क्यों है, क्या तरीका है इन लोगों का। बहुत कोशिश किया लेकिन मतलब क्या करें, कुछ कर नहीं पाया। जो जिस तरीके से जो ट्रीटमेंट करना था, पेन किलर वगैरह सब दिया, लेकिन ये सर्वाइव कर नहीं पाया।